वंदन और अभिनंदन करते हुए, ये जीत, ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, ये जीत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की, ये जीत है हाथरस विधानसभा के तमाम लोगों की जिन्होंने अपना आशीर्वाद, शुभाशीष और शुभकामनाएं मुझे दी हैं, अपना भरोसा मुझ पर जताया है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़ा संगठन ये इस जीत के श्रेय का हकदार है और मैं अपनी पूरी जीत का श्रेय उन्हीं को देती हूँ। प्राथमिकताएँ क्या रहेंगी अब जब चुन ली गई हैं आप? देखिए, मैंने आपको पूर्व में भी बताया और फिर बता रही हूँ कि मैं कोई अपना पर्सनल एजेंडा लेकर नहीं आई हूँ। मेरा एजेंडा वो है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, मेरा एजेंडा वो है जो हाथरस विधानसभा की जनता का एजेंडा है, मेरा एजेंडा वो है जो यहाँ के व्यापारियों का, महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का, किसानों का, जो वो चाहेंगे मैं तो कार्यकर्ता भाव से उनके साथ काम करने का काम करूँगी और उनकी इच्छाओं को और अपेक्षाओं को समस्या आपके पास आगरा पब्लिक कहाँ से जाएगी? आपका स्थायी यहाँ आप रहेंगे या केवल आगरा रहेंगे? मैंने 21 तारीख को मेरा टिकट भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिया और मैंने 22 तारीख को ही घर आगरा में ले लिया है। हमारे माननीय आगरा में है, आगरा में है, मैंने हाथरस में अपना घर ले लिया है। माननीय जिलाध्यक्ष हमारे हाथरस जिले के आदरणीय गौरव आर्य जी के जहाँ घर है उनके घर के पीछे की तरफ ही मैंने अपना घर ले लिया है और मैं वहीं पर रहती हूँ। और आपको जब चाहे, जब मैंने आगरा की महापौर रहते हुए भी कभी समय नहीं निर्धारित किया कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मिलूंगी, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मिलूंगी। और बिल्कुल उसी तर्ज पर हाथरस विधानसभा में आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद है और जनता का स्नेह आशीर्वाद के दम पर जब मैं यहाँ से चुनी जाऊंगी तो निश्चित तौर पर जब जो लोग मिलना चाहेंगे जिस भी समस्या के लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूंगी।